मैं शैलेश कुमार शर्मा सबसे पहले परी म्यूजिक के प्रेजेंट और अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो के तमाम जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं और चाहने वाले हैं और जितने भी इनसे जुड़े हुए ऑडियंस हैं सभी को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये स्टूडियो अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो इमामगंज पाकड़ बिहार में स्थित है और बड़ा ही अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। ऐसे यहाँ इसका डायरेक्टर जो है हमारे बड़े भाई बालकेश्वर अलवेला जी हैं जो आप लोग के बीच में है, हमारे बड़े भाई हैं, बड़े प्यारे भाई हैं। मुझे यहाँ आने के बाद ऐसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा हूँ या किसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गया हूँ गाना गाने के लिए। मैं तो यहाँ पहले भी आया हूँ, इस बार भी आया हूँ और बराबर आते रहता हूँ। तो जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे ये बता देना चाहता हूँ कि इसको स्टूडियो ना समझे, एक फैमिली समझे, एक परिवार समझे। और जिन सिंगर बंधु को या जिन भी गायक गायिका को अपना गाना का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाना हो वो आकर यहाँ अलबेला रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करवा सकते हैं और अच्छा से अच्छा आपको ऑडियो वीडियो आपके बजट के अनुसार मिलेगा और बहुत अच्छा काम होता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, किसी भी तरह का कोई सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारे छोटे भाई रिंकू राजा है जो बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं, बड़ा लगन है इनके अंदर गायकी का, जो लगे हुए हैं हमारे साथ में है और लगभग हम जहाँ जाते हैं हमारे साथ ये मिल ही जाते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। मतलब एक कहा जाए तो हमारे अमरेश पुरी साहब कहा करते थे लहंगा चोली चोली दामन का जो रिश्ता होता है उस तरह का हम लोगों में रिश्ता है हमारे बालकेश्वर अलवेला जी के साथ और रिंकू राजा के साथ। बिल्कुल लहंगा चोली जैसा रिश्ता हम लोगों का, हम लोग सब एक फैमिली है, साथ में रहते हैं। और ये परी म्यूजिक के प्रेजेंट को जितने भी ऑडियंस है, जितने भी सब्सक्राइबर है वो अपना प्यार आशीर्वाद दें। और हमारा खुद का स्टूडियो है चतरा में एमएस रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जो एमएस एंटरटेनमेंट नाम से यूट्यूब पे ऑफिशियल चैनल भी है, आप लोग सर्च करके उसको भी देख सकते हैं। और ये परी म्यूजिक के प्रेजेंट भी मेरा ही चैनल समझे इसको, क्योंकि हमारे जब बड़े भाई हैं तो भाई भाई हैं तो भाई का समान है। और ये इसे अपना चैनल समझ के हम लोग प्यार आशीर्वाद दें। और आज अपना स्टूडियो है, फिर भी ये भी मेरा अपना स्टूडियो है, बस फर्क इतना है ये बिहार में स्थित है और वो झारखंड में स्थित है। बस फर्क इतना ही है कि वो झारखंड में एमएस झारखंड में स्थित है और परी प्रेजेंट जो है वो बिहार में स्थित है। तो आज मैं यहाँ से हाँ थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया भी अपना बायोडाटा, अपना स्टूडियो के बारे में, बहुत खुशी मिला। कम से कम बड़े भाई या छोटे भाई आपका है अलवेला जी, तो जो आज आपका हमने सोचा कि छोटा सा आपका एक गाना वाना गाते गीत का हम यहाँ आए तो दूसरे चल के साथ अपना आवाज दे देंगे तो अच्छा लगा। तो जो आज गाना आपको तैयारी करके आए हैं, कौन सी गाना तैयारी करके आए? गाना है माई के भवनमा गुंज तब भजनमा कह कह करे बड़े घिव के दिया हो गह गह करे। तो आज इनका ये गाना रिकॉर्ड होगा, इसके बाद लाइव के बाद रिकॉर्ड होगा, जैसे होगा तो 4 दिन हो सकता है कि मार्केट में सर जी का माध्यम से बाबा के माध्यम से लॉन्च होगा। तो आप लोग देखिएगा परी म्यूजिक के प्रेजेंट से शायद रिलीज हुई होगा इसका। बालकेश्वर जी आप तो शायद भुला ही गए हैं कि एक गाना नहीं दो दो गाना रिकॉर्ड हुआ है। और दोनों गाना परी म्यूजिक प्रेजेंट से ही रिलीज होने वाला है, बहुत जल्द मार्केट में आप लोग को सुनने और देखने को मिलेगा। जी मैंने दो गाना के रिकॉर्ड का काम चालू अभी होगा, हुआ नहीं है लेकिन होगा, तैयारी करके आएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए तो जो गाना के गाना से जैसे बता दीजिए। माई के भवन मा गुंजत भजन मा गह गह करे, माई के भवन मा गुंजत भजन मा गह गह करे बारे गीवो के दिया नमा हो गह गह करे, बारे गीवो के दिया नमा हो गह गह करे। ये हमारे बाबा जी का गाना बहुत जल्द आ रहा है, अगर आप लोग का अलवेला जी का जो सारा हमेशा आता है लाइव वीडियो के माध्यम से अच्छा लग रहे शेयर लाइक कमेंट और क्या बोला चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। परी म्यूजिक प्रेजेंट आप सभी ऑडियंस का हार्दिक अभिनंदन करता है।